जी मुख्यमंत्री तो बोल के गया था 12 घंटों के अंदर, भाई 2 दिन के अंदर सिलेंडर आ जाएंगे, नहीं आए जी। 9 तारीख की बात नहीं है, यहाँ 16 तारीख हो गई है सर, अब तक तो सिलेंडर मिला नहीं। ये शिकायतें हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रहने वालों की, जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वादे के बावजूद 48 घंटे तो छोड़िए, एक हफ्ते बाद भी रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। दरअसल 9 अगस्त को फतेहाबाद में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने उन लोगों से हाथ उठाने को कहा जिन्हें आवेदन करने के बावजूद उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन नहीं मिले हैं। लोगों ने हाथ उठाए तो सीएम ने 48 घंटे में सिलेंडर दिलाने का वादा कर डाला। लेकिन बीते एक साल से रसोई गैस सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे ये लोग गैस एजेंसी पर धमकाने जैसे आरोप लगा रहे हैं। तो मिला आपको सिलेंडर? नहीं मिला जी, कहाँ मिले हैं? मारी खास सुनाई है, गरीब आदमी होगी, धमका का भेजता है, झूठी बोल लिया और क्या भाई, रैली में आ जाएंगे सिलेंडर का नाम ले रहे। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद अधिकारियों ने 49 लोगों की सूची बनाई। इनमें से 27 लोग अकेले बीघड़ गांव के रहने वाले थे, लेकिन ये सारी कवायद ढाक के 3 पात ही साबित होती दिख रही है। हालांकि इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वो सारी जिम्मेदारी गैस एजेंसी के मत्थे मरते नजर आए। गैस एजेंसियों को इस बारे भी हिदायत दे दी है, बिगड़ जगदम्बे गैस भारत गैस है, उसको हिदायत दे दी है और एक बार फिर भी इनको दोबारा फिर नए ऑर्डर फिर जारी कर देते हैं आज, क्योंकि अभी ऑयल कंपनी के अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने कनेक्शन किया, अप्रूवल दे दिया सभी के। तो सर क्या माने कि अगले 2 दिन या 3 दिन तक सिलेंडर इनको मिल जाएगा? ये इनको मंडे को कनेक्शन मिल जाएंगे। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या हरियाणा की खट्टर सरकार, किसी भी मंच से उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के दावे करते नहीं थक रही, लेकिन हकीकत तो ये है कि योजना लागू होने के कई साल बाद अकेले फतेहाबाद में दर्जनों परिवारों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। ये परिवार आज भी लकड़ी और उपले पर खाना पकाने को मजबूर है। हरियाणा के फतेहाबाद से साहिल रुखाया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।